आज देखेंगे अपन फिजिक्स में, ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं, जिसमें देखेंगे सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे अपन एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठोसों के ऊर्जा बैंड। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे होते हैं इसके बारे में अपन समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ठोस जो रहता है उसमें ऊर्जा बैंड कैसे कैसे होते हैं, तो देखिए प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्या कोश और उपकोश के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये चीज़ तो आपको पता होगा जी। कोई भी अगर परमाणु है ऐसे करके, तो इसमें नाभिक होते हैं और नाभिक के ऐसे चारों ओर क्या करते हैं, इसको कोश बोलते हैं और उपकोश बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है प्रत्येक उपकोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। अब आपको कोई भी कंपटीशन में अगर कोई सवाल पूछे कि किसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है बोल के, तो आप बोल सकते हैं उपकोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है जी, नियत रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे विभिन्न उपकोष में विभिन्न इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा के मानों में को परमाणु ऊर्जा के स्तर कहते हैं ना जी। इन ऊर्जाओं के समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इन ऊर्जा रेखाओं को कैसे, ये समांतर है इसके, ये दोनों रेखाएं ऐसे समांतर हैं तो समांतर ही तो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, फिर आगे देखेंगे अपन परमाणु में उसके ऊर्जा सुस्पष्ट होते हैं, किंतु किसी परमाणु के ढेर सारे परमाणु होते हैं। अब मान लीजिए एक परमाणु ही लेते हैं, तो ये परमाणु बहुत सारे ऐसे परमाणुओं से मिलकर ही तो बना रहता है। अगर एक स्टोन ले लेंगे तो उसको क्रश करेंगे तो स्मॉल स्टोन बनता है, तो क्या है परमाणु ही तो है, तो ये क्या करते हैं बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तब किस क्रिस्टल के एक घन सेंटी आयतन की लगभग कितना होती है जी, 10^23 होती है। इस प्रकार क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु कई परमाणुओं से घिरा हुआ होता है, अतः प्रत्येक परमाणु के ऊर्जा स्तर परिवर्तित मॉडिफाई हो जाते हैं, किंतु आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उसका अधिक प्रभावित नहीं होता, केवल बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर ही अधिक प्रभावित होते हैं। इसका कारण यह है कि जब परमाणु पास पास आकर अन्योन क्रिया करते हैं तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऊर्जा बैंड की परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा परिभाषा लिख के दिखाऊं क्या जी आप लोग को। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखिए ठोसों के परमाणु के मध्य अन्योन, ठीक है जी, अन्योन क्रिया के कारण, अन्योन क्रिया के कारण इन उनके ऊर्जा स्तर परिवर्तन रहता है। परिवर्तित होकर ऊर्जा स्तरों के समूह में बनाते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि परमाणुओं की, ठोस के परमाणुओं के मध्य अन्योन की क्रिया, मतलब एक दूसरे के चिपकने वाली क्रिया के कारण ही ऊर्जा स्तर परमाणु से होकर ऊर्जा स्तर के समूह में परिवर्तित या समूह बनाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऊर्जा बैंड को अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में कैसे लिख सकते हैं जी, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इसमें,
देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो जैसे कि अपन जानते हैं सिलिकॉन, एक धातु ले लेता हूँ सिलिकॉन, ठीक है जी सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s² 2s² 2p⁶ 3s² फिर लिखते हैं 3p² ऐसे लिखेंगे जी। तो देखिए 2 4 कितना हो गया, 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14 इसमें 14 मैच कर रहे हैं ना, इस प्रकार अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जी, ठीक है जी। तो अपन अब ड्राइंग में देखते हैं, तो ड्राइंग में अगर देखेंगे तो देखिए सेम वही चीज़, इसमें सिलिकॉन के लिए अपन इसमें ड्राइव किए हैं 2 2 4 6 4 हो गया, 4 6 10 10 2 14 14 2 2 4 14 हो जाएगा, 14 हो गया ना सिलिकॉन के लिए जी टोटल, वही चीज़ अपन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो ए वाली ऊर्जा है देखिए, तो इसको बोलते हैं अपन चालक बैंड, चालक बैंड, इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड, बैंड, ठीक है दोस्तों। फिर और आगे देखेंगे तो इसी में अपन और आगे देखते हैं, तो क्या देखते हैं जी, इसके विभिन्न स्थितियां आ जाती है, विभिन्न स्थितियां आ जाती है, तब स्थिति कौन कौन सा आती है इसको भी तो जानना जरूरी है जी हमें। तो देखिए पहली स्थिति आती है जब आर डी हो तो, ठीक है जी, जब आर डी हो तो तब क्या हो जाएगा, आर और डी हो तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे अपन रिप्रेजेंट किए थे कि नहीं किए थे जी, तो पहले में लिखे थे अपन, लिखे हैं 1s² दूसरे में लिखे हैं 2s² तीसरे में लिखे हैं 2p⁶ 3 में लिखे हैं 2s² और 3p² ऐसे लिखे, ये दोनों को ऐड किए तो 14 हुआ। तो इसको जब करते हैं तो ये 3 होता है, इसको देखते हैं तो 2 होता है, और इसको देखते हैं तो 1 होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कक्षा छठवीं का कक्षा सातवीं के में पढ़े हुए हैं हम लोग इसको। अब सेकंड होता है, दूसरा क्या होता है देखिए, आर इक्वल सी करें तो दूसरा स्थिति आता है, आर इक्वल सी हो तो, तब इसमें देखेंगे तो ऊर्जा बैंड, और ऊर्जा बैंड के ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, एक और देख लीजिए, इसमें एक 4 प्रकार के होते हैं मेन, तो चारों प्रकार को बताते हैं। आर इक्वल अपन एक बार डी रखेंगे, बी रखेंगे, और चौथे में रखेंगे आर इक्वल ए रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये 4 स्थितियाँ होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें अपन कुछ नया देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में।